भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, सभी उपस्थित कांग्रेस जन, सभी उपस्थित आरएलडी जन, अलीगढ़ की धरती पर कदम रखते ही सिर्फ एक शहर का एहसास नहीं होता, ऐसा लगता है कि हम एक तारीख, एक इतिहास के सामने खड़े हैं। यहाँ के विद्वान, यहाँ के शायर, यहाँ के देश की आज़ादी के दीवाने सबके मन में एक ऐसा जज्बा पैदा करते हैं जिसकी मिसाल कम ही मिलती है। ये इलाका भारत की मिलीजुली तहजीब का आईना है। हमें हर कीमत पर इसकी ये खूबी, इसकी ये इज्जत बनाए रखनी है। सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस ने हमेशा उन सब ताकतों को चुनौती दी है, उनके खिलाफ संघर्ष की है जिन्होंने हमारी मिलीजुली तहजीब को चोट पहुंचाने की साजिश की है। कांग्रेस भेदभाव की राजनीति को, समाज में जहर घोलने की सियासत को नापाक और जुल्म मानते हैं। हम सभी को बराबरी की निगाह से देखते हैं। हम सभी वर्गों के उत्थान के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि जो लोग समाज में पिछड़े और कमजोर हैं, उन्हें खास मदद मिलनी चाहिए। इसलिए हमने हमेशा गरीब और कमजोर का साथ दिया है और उनके लिए अलग योजनाएं, अलग कार्यक्रम बनाए। हम गांव और शहर के बीच में भी दूरी कम करना चाहते हैं। गांव क्यों? क्यों हम ये चाहते हैं? क्योंकि गांव की ताकत के बिना शहर की ताकत नहीं रह सकती, और इसी तरह शहर से जो सुविधाएं मिलती हैं, उनके बिना गांव की जिंदगी में पूरी तरह सुधार नहीं हो सकता। अभी हाल के वर्षों में आपने खुद देखा कि जब से कांग्रेस के नेतृत्व में हमारी केंद्र की यूपीए सरकार बनी, तो हमने यही तालमेल, यही संतुलन बनाने की कोशिश की। तो एक तरफ गांव के गरीब भाई बहनों को राहत पहुंचाने के लिए, उनकी बेरोजगारी कम करने के लिए, उनकी बेरोजगारी कम करने के लिए महात्मा गांधी नरेगा जैसा कार्यक्रम चलाया। गांव के लोगों की सेहत और इलाज के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, अनिवार्य और मुफ्त स्कूली शिक्षा, सरकारी स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे कार्यक्रम हमने शुरू किया। तो दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन, तमाम नए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, विश्वविद्यालय, खास तौर से केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की नीतियां बनाए हैं। इन सब के लिए सभी राज्यों को, हर एक राज्य को बिना भेदभाव के खुले हाथ से हमारी यूपीए सरकार ने पैसा दिया है। मगर अफसोस की बात है, दुख की बात है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को जो हजारों हजारों करोड़ मिले, उसका सही इस्तेमाल करने की बजाय उसमें बड़े पैमाने पर घोटले घोटाले हुए हैं। जो उत्तर प्रदेश देश को रास्ता दिखाता था, वह ये खुद भाजपा, सपा और बसपा जैसी पार्टियों के बुलावे में
रास्ता भटक गया है। हम रोशनी की जगह अंधेरे की तरफ बढ़ते गए। ये पार्टियां हमेशा कहती कुछ है, करती कुछ है, उनकी इनकी कटनी और करनी में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। क्या है असलियत? ये है कि समय समय पर इन सब ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया, एक दूसरे का साथ दिया है और मिलजुल कर प्रदेश को इस बदहाल स्थिति में पहुंचाया है। लेकिन हम अपनी नीतियों के मुताबिक काम करते हैं। जब सारे देश में हमारे किसान भाइयों मुसीबत में थे, कर्ज के बोझ से दबे हुए थे, तो हमने उनका कर्ज माफ किया है। किसानों की उपज का खरीद मूल्य हमने खूब बढ़ाया है, लेकिन यहाँ की सरकार की गलत नीतियों के कारण उसका फायदा नहीं मिला। केंद्र से खाद की कोई कमी नहीं है और यहाँ केंद्र से खूब आ रहा है, लेकिन वितरण व्यवस्था में भ्रष्टाचार के कारण उन्हें खाद भी नहीं, हमारे किसान भाइयों को खाद भी अच्छी ठीक से नहीं मिल रही। बिजली, पानी, सड़क, रोजगार जैसी दूसरी बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं। कानून व्यवस्था का कोई नाम ही नहीं है। गरीब आदमी की कहीं कोई सुनवाई ही नहीं है। तो जब हम अपने दलित भाइयों, अकलियतों, समाज के पिछड़े वर्गों, अपनी बहनों और के लिए अनेक कार्यक्रम चलाते हैं, तो हमारे विरोधियों को परेशान होती है। कुछ करते नहीं, कर नहीं सकते, और जब हम आपके लिए कुछ अच्छा काम करते हैं तो इन्हें तकलीफ होती है। जो लोग आज अकलियतों में गलत फहमी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या उन्होंने उनके लिए क्या किया है? जबकि कांग्रेस पार्टी ने अकलियतों के हित में सचर कमेटी की सिफारिशों को लागू किया। केंद्र में पहली बार अलग से एक मंत्रालय बनाया। प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के जरिए 5,00,000 करोड़ के कर्ज दिए गए। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अकलियत बहुल्य इलाकों में तमाम नए स्कूल और तमाम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले गए और मौलाना आजाद फाउंडेशन का बजट बहुत बढ़ाया, जिसे मदरसों को आधुनिक बनाने के लिए आर्थिक मदद दी, ताकि अकलियतों के बच्चे पढ़ लिख कर तरक्की करें। हमारे अकलियत भाई बहनों को अपना काम धंधा शुरू करने के लिए आसानी से कर्ज मिले, इसका व्यवस्था भी की है। और इस तरह के न जाने कितने काम हैं जो लोगों के प्रति हमारे दृढ़ संकल्प का तो सबूत है। मुझे एहसास है कि अलीगढ़ के मशहूर ताला उद्योग के सामने भी अनेक समस्याएं हैं। हमने अपने घोषणा पत्र में उसे बढ़ावा देने का वादा किया है और हम वो वादा जरूर निभाएंगे। हम जानते हैं कि अलीगढ़ का ताला जिस दरवाजे में लगा होता है वह आसानी से नहीं खुलता है। उसी तरह अलीगढ़ से पढ़ लिख कर लोग जहां भी चले जाते हैं उनके लिए दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। आपको भी ये दोनों काम करने हैं। बेईमानी, भ्रष्टाचार, भेदभाव, फिरकापरस्ती, जुल्म और अन्याय के दरवाजे बंद करना है। तरक्की, खुशहाली, इंसानियत और ईमान के दरवाजे खोलने हैं। मुझे
उम्मीद है कि आप ये दोनों काम जरूर करेंगे और कांग्रेस आरएलडी को अपना पूरा समर्थन देंगे। मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि उत्तर प्रदेश के बहुत से लोग अलीगढ़ की तरफ आपकी तरफ देखते हैं। आप जब अन्याय और बेईमानी के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो ये आवाज दूर तक जाएगी और सुनी भी जाएगी, क्योंकि क्योंकि अलीगढ़ के तराने में अलीगढ़ के बारे में सच ही कहा गया है कि जो अब्र यहाँ से उठेगा वह सारे जहाँ पर बरसेगा, और ये अब्र हमेशा बरसा है, यह अब्र हमेशा बरसेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब से निवेदन करती हूँ कि चुनाव के दिन अपना एक एक वोट कांग्रेस और आरएलडी को देकर और हमारे हमारे सभी उम्मीदवारों को बड़े मतों से जिताए। तो फिर आप दूर से दूर दूर से इतनी बड़ी तादाद में तकलीफ उठाकर यहाँ आए, इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।